ए कहा गए रे। नहीं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी मेरे बर्थडे सोने टू दो। बोलो यू, थैंक यू मम्मा, बोलो थैंक हैप्पी बर्थडे डियर धूतू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इनके इनके उच्चारण देखो। अरे गुड्डा कौन दिया मेरे बेटा को? हाँ अपने से लिए क्या चाहिए? गिफ्ट क्या लोगी तुम? बर्थडे गिफ्ट क्या लोगी? बाबा फूफा से तो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। ए बर्थडे में क्या लेगी? हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। सीना उछड़ता नहीं है, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिक्कत हो रही थी जैसे क्या लोग गिफ्ट क्या लो रही थी, खूब उछड़ा। ये गिफ्ट कौन दिया दृष्टि को? पापा, पापा सपना दिखाई दे। उफा से तो एरोप्लेन ली, वो भी कहना कि बैठने वाला तो करी नहीं, वो खेलने वाला। क्या लोगी धृति? पापा से क्या लोगी? मैं पापा से यही वाला गिफ्ट लेना चाहती। पापा को तो बहुत सस्ते में निपटा दी तुम, 150 में। बच्चा है ना, बहुत दादी से क्या लोगी? दादी से, दादी से तो दादी से वो वाला गिफ्ट लूंगी। क्या वो क्या कौन सा नाम बताओ? वो क्या बताओ? तुम्हारे लिए केक सिट्टुआ लेके आएगी। हाँ सिट्टुआ बोली मैं धृति के लिए केक लेके आऊंगी। दूध तो पीना पड़ेगा, आज तुम्हारा बर्थडे है तो दूध तो पीना पड़ेगा। अरे पीना पड़ेगा, नहीं केक नहीं बोलते, लेकिन दूध तो पीना ही पड़ेगा। बमाछी मत करना कि मराना मत आज। नहीं यार मैं मराऊंगी नहीं, आज मुझे दूध ही नहीं पीना है पहले से। पूना तो पड़ेगा, पूना तो पड़ेगा। नहीं धृति कौन आया है? क्या लेके आए? मेरी लड्डू, मेरी लड्डू है, मेरी लड्डू है। मैं यहाँ बना रही हूँ अपने भाई के लिए मैगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ ऑर्डर करने में काफी टाइम लगता है, यही मैं झटपट बना देती हूँ। प्रीति हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों मैगी बन के यहाँ रेडी हो गई है भाई के लिए। हम लोग क्या तेल हल्दी ये सब नहीं पड़ रहा है, तो कलर थोड़ा अलग है भाई, कोई माइंड नहीं करेगा। तो मेरा भाई चला गया, अभी कुछ टाइम हुआ तो मैं अपना कपड़ा वगैरह लेके आ गई हूँ। मैंने सोचा कि अभी सब फोल्ड कर देती हूँ। और मैं पता है अचानक से मैं बैठ के ऐसे ही मोबाइल देख रही थी, तब से किसी ने गेट खटखटाया, तो मुझे लगा कि कोई आंटी लोग आई हैं, क्योंकि जैसे आंटी लोग अक्सर आती रहती है, तो मुझे लगा कोई आंटी लोग आई। मैं बिना पूछे ना दरवाज़ा कभी खोलती नहीं हूँ कि कौन है, तो शाम का टाइम रहता है तब खोल देती हूँ। जैसे दोपहर में कोई आता है तो मैं बिना पूछे दरवाज़ा कभी नहीं खोलती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे बैग दिख रहा था, तो मुझे लगा मेरे हस्बैंड आए हैं। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे छोटे वाले भैया आए थे। तो मतलब इतना अच्छा लगा ना, जब कोई आपका अपना अचानक से आए बिना बताए, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे वो खुशी अलग ही लेवल की होती है। तो धृति के लिए केक वगैरह लेके आए थे, पेस्ट्री लेके आए थे, और क्योंकि उन लोग काम से आए थे बनारस ही, तो घर पर आए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। और ऐसा ऐसा नहीं कि आप किसी को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दो तो तभी सामने वाला खुश होता है, जी नहीं। मैं तो उसमें, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज़ें भी सामने वाला मेरे लिए सोचे ना, तो
मुझे तो वही सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। और धृति कब से कह रही थी मेरा केक कब आएगा, मेरा केक कब आएगा, और वो केक देखती इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैं वो चीजें रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता था ही नहीं कि मेरा भाई आ रहा है। अगर मुझे पता रहता तो मैं सच में रिकॉर्ड करती और आप लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर करती। तो चलिए पहले मैं कपड़ा वगैरह फोल्ड कर दे रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि बर्थडे वगैरह मनाया नहीं जाएगा, तो लेकिन वो बच्ची है कब से कह रही मम्मा मेरा बलून कब लगाओगी, ये कब करोगी, वो कब करोगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से मतलब थोड़ा सा ही कुछ डेकोरेट वगैरह कर देती हूँ ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे। उसका बर्थडे पता है कि वो कोरोना टाइम में हुई है ना, तो उसका बर्थडे ऐसे ही ऐसे में चला जाता है। बस एक बार अच्छे से मना था और उसके बाद तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है, उसके बर्थडे के टाइम पे ही ऐसा कुछ हो जाता है कि नहीं हो पाता है। तो अभी हम लोगों ने इस बार कुछ सोचा था लेकिन नहीं हुआ, तो चलिए कोई नहीं, मैंने बोला कि भगवान के ऊपर है, जो भगवान को मंजूर रहेगा वही होगा। तो अभी मैं कपड़ा वगैरह फोल्ड करके थोड़ा सा मैं बलून वगैरह लगा देती हूँ उसको अच्छा लगे, क्योंकि वो बच्ची है, बच्चों को हर चीज़ें नहीं समझ आती। और भगवान की कृपा से मेरी बेटी ऐसी भी नहीं कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद करती है, ऐसा नहीं। अगर आप उसको कोई चीज़ प्यार से मैं समझा दूँगी, घर में कोई भी मतलब उसको कोई भी चीज़ प्यार से समझाएगा कि नहीं धृति ये चीज़ ऐसे नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा, तो वो इतना मतलब आराम से एकदम समझ जाती है कि उसको लगता है कि हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मतलब कई दिन से बोल रही थी, अभी सुबह से भी कई बार बोल चुकी कि मम्मा मेरे लिए बलून लगा दो, मेरा केक कटिंग कब होगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कर लेती हूँ क्योंकि वो बच्ची है। तो चलिए पहले मैं यहाँ का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ तो डेकोरेट कर लेती हूँ उसको, बस उसको अच्छा लगाने के लिए कि उसको थोड़ा तो स्पेशल फील हो। अब प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है जी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अपने गेस्ट रूम में और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत मैं धृति के लिए कुछ कर देती हूँ। तो इधर मैंने बलून वगैरह थोड़ा बहुत लगा दिया है, इतने से वो खुश हो जाएगी मेरी बच्चा, मुझे पता है इतने से खुश हो जाएगी। मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा डेकोरेट किया, एक ही वॉल डेकोरेट किया है और बाकी इधर थोड़ा सा लगा दिया, थोड़ा क्या एक ही लगाया है। तो चलिए अभी वो सो रही, तब से मैं उसको उठाती हूँ और उसको क्या की आईज क्लोज की हो। हाँ। रुको 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 पीछे से रुको। हाँ हाँ रुको रुको यही रुको यही रुको, जब मम्मा बोलेगी करना तब ओके करो। थी आपको इधर देख के बोलो, बहुत प्यारा, खुश हो? हाँ बहुत खुश। अच्छा लग रहा है? या? बहुत अच्छा। खुश हो? हाँ। हैप्पी? बहुत हैप्पी मम्मा। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा मम्मा। अरे वाह धृति, कैसा लगा धृति को? बहुत प्यारा। कौन दिया आपको, कौन दिया? ये क्या है? चौक एंड डस्टर है। दादी से क्या लोगी? आपसे भी यही कुछ। क्या बताओ? यही बुआ बुआ को थैंक यू तो बोलो। थैंक यू बुआ। वेलकम धृति। धृति को ये पर्स धृति की खुशी बुआ ने दिया था जो कि धृति को काफी ज्यादा पसंद है। बारबी वाला ये केक है ना? बारबी वाला नहीं है बेटा, मामा मामा को बारबी वाला नहीं मिला ना, मामा नहीं जान पाए। देखो कितना प्यारा केक है। ओरियो बिस्किट लगा है और इसके साथ ये देखो ये भी आया है। हेलो जी, तो यहाँ धृति के केक कटिंग का टाइम हो गया था। ये केक मेरे छोटे वाले भाई मतलब धृति के छोटे वाले मामा लेके आए थे दोपहर में, सरप्राइज था। हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तब काफ़ी अच्छा लगा। वैसे धृति को मैं अभी जिद कर रही थी कि मुझे बारबी केक चाहिए, लेकिन जब उसने ये केक देखा तो इसको भी देख के वो खुश हो गई। और धृति इतनी खुश थी ना, उसको देख के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले थे, मतलब कुछ होने नहीं वाला था, केक कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन होता है ना कि जो चीज़ें लिखी होती है वो होनी ही होनी रहती है। तो भाई यहाँ केक लेके आ गया, तो ये हुआ कि थोड़ा बहुत मैंने बच्चे के लिए डेकोरेट कर दिया, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। तो यहाँ धृति केक कटिंग करे, तो प्लीज़ आप लोग फुल इंजॉय करिए। पहले कैसे हो जो होगा वो लगा सकते हैं। काट काट।
हेलो जी, तो धृति के लिए एक छोटी सी कोशिश थी, तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ढेर सारे विशेष मेरी बेटी को दीजिएगा और अपना आशीर्वाद प्यार सब कुछ मेरी बेटी के ऊपर बनाए रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।